हेलो स्टूडेंट, इंसेक्ट टेक्सोनॉमी में हम मुख्तलिफ किस्म के आर्डर पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम दो आर्डर पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्डर आर्डोनेटा। आर्डर आर्डोनेटा में कौन कौन से इंसेक्ट शामिल हैं और उनके इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, स्टार्ट ले लेते हैं। आर्डर आर्डोनेटा हैज लार्ज कंपाउंड आईज, यानी इस आर्डर की जो इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है वो कौन कौन से करेक्टरिस्टिक है, वो उसमें कंस्पिकुअस यानी लार्ज आईज है। इनके जो आई की स्ट्रक्चर है वो इंतहाई लार्ज है एज कंपेयर टू इट्स हेड प्रोपोर्शन, यानी हेड में जो कंस्पिकुअस चीज आपको नजर आएगी वो उसकी आईज है, इनकी आंखें हैं। चूंकि ये कंपाउंड आई है इसलिए इनकी विजन जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। जो दूसरी करेक्टरिस्टिक होती है उनकी, वो लॉन्ग स्लेंडर एब्डामिन, ये जो इनकी एब्डामिन होती है, ये इंसेक्ट में चूंकि थ्री सेगमेंट्स होते हैं, इनकी बॉडी की थ्री सेगमेंट्स होते हैं, एक होती है हेड, एक उनकी होती है थोरिक्स और उनकी होती है एब्डामिन। तो जो आर्डोनेट्स है, आर्डोनेट्स में जो ये एब्डामिन होती है ये लॉन्ग होती है और एक सिलेंड्रिकल होती है। और इस ऑर्डर में ड्रैगन फ्लाइज और डेमसेल फ्लाइज जो है वो शामिल है। ये देखो, ये ड्रैगन फ्लाई की इस तरह की शक्ल होती है, और ये डेमसेल फ्लाई की इस तरह की शक्ल होती है। ये देखो, एक जब ड्रैगन फ्लाई जब किसी चीज पे बैठते तो उनकी जो विंग्स है वो खुली हुई होती है, जबकि डेमसेल फ्लाई की ये जो विंग्स है ये देखो ये ऊपर की तरफ इरेक्टेड होते हैं। आर्डोनेट्स आर प्रीडेशियस एज नाइट्स एंड एडल्ट्स, इनके एडल्ट्स और इमेच्योर स्टेज दोनों जो है प्रीडेटरी है और दूसरे इंसेक्ट या दूसरी चीजों पे जो है वो फीड करते हैं। ये इनकी ड्रैगन फ्लाई की या मतलब आर्डोनेट्स की जो है लाइफ साइकिल है, ये एडल्ट स्टेज है, एडल्ट स्टेज से जो है वो एगलिंग होती है, एगलिंग जो है वो इससे निम्फ निकलता है, निम्फ जो है इसी निम्फ को हम कहते हैं, इस इमेच्योर स्टेज को हम कहते हैं नाइट्स, ठीक है। तो ये दोनों केसेस में, इस केस में भी ये प्रीडेशियस होते हैं और एडल्ट शक्ल में भी ये प्रीडेटर होते हैं, और ये जो इनका नेट से ये एक्वेटिक होता है। ड्रैगन फ्लाई एंड डेमसेल फ्लाईज हैव टीनी एंटीनास, इनके एंटीना बहुत छोटे होते हैं या यानी इतनी स्ट्रांग नहीं होते, सो विजन इज देयर प्राइमरी मीन्स ऑफ नेविगेटिंग एंड कैप्चरिंग द प्रे। जब ये प्रे को पकड़ने के लिए अपने विजन इस्तेमाल करते हैं, चूंकि मैंने आपको बता दी कि इनकी जो आईज है वो इंतहाई कॉन्स्पिकुअस और लार्ज कंपाउंड आई है, तो इसका जो विजन है ये कैप्चर करके इसको इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रे को पकड़ने के लिए, जबकि बाकी इंसेक्ट में चूंकि एंटीना जो है वो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, वो अपनी एंटीना को नेविगेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस पार्टिकुलर स्टेज में, इस डेमसेल फ्लाई में या ड्रैगन फ्लाई में विजन जो है इस्तेमाल होती है कैप्चरिंग प्रे के लिए। आर्डोनेट्स की जो तीसरी करेक्टरिस्टिक है वो ये करेक्टरिस्टिक है, दे कैन रोटेट देयर हेड्स नियरली 360 डिग्रीज, गिविंग देम इज इन ऑलमोस्ट लिमिटेड फील्ड ऑफ व्यू। एक तो इनके जो हेड होता है इसमें एक दो बड़े बड़े कॉन्स्पिकुअस आईज है, ये देखो कॉन्स्पिकुअस आई है। दूसरे इनका ये जो करेक्टरिस्टिक है कि ये अपने हेड को रोटेट कर सकते हैं 360 डिग्री पे। हम वैसे नॉर्मली इंसान जो है वो कितने रोटेट कर सकते हैं, हम 180 डिग्री पे रोटेट कर सकते हैं, मतलब एक तरफ से हम देख रहे तो दूसरी तरफ 180 तक जा सकते हैं। हम अपने हेड को पूरा घुमा के उसी जगह पे नहीं ला सकते, जबकि आर्डोनेट्स में ये करेक्टरिस्टिक है कि वो अपने हेड को रोटेट कर 360 डिग्री तक रोटेट कर सकते हैं, और इसी रोटेशन की वजह से, इस कैपेबिलिटी की वजह से इसका जो विजन है, जो फील्ड ऑफ व्यू है वो बहुत ज्यादा होती है। सीवरल डिफरेंसेस इन विंग स्ट्रक्चर सेपरेट द आर्डोनेट्स फ्रॉम देयर फ्रॉम अदर इंसेक्ट ग्रुप, इनकी ये जो विंग स्ट्रक्चर होती है ये चूंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आर्डोनेट्स में जो विंग स्ट्रक्चर होती है वो मेम्ब्रेनस टाइप ऑफ विंग्स होते हैं, तो और इसमें मुख्तलिफ किस्म की देखो ये वेन्स होते हैं, तो ये कहते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर होती है उनकी वेन्स की बहुत सारे जो है
दूसरे इंसेक्ट से जो इनकी मतलब ये इनकी आइडेंटिफिकेशन या डिफरेंशिएशन में इस्तेमाल हो सकते हैं। ये जो विंग स्ट्रक्चर है इनकी, एक पार्टिकुलर विंग स्ट्रक्चर है जो कि इनकी आइडेंटिफिकेशन और डिफरेंशिएशन में यूटिलाइज हो सकते हैं। Adonates laid eggs in water, where they hatch into wingless night. जिस तरह मैंने आपको बता दे कि जी जो adonates होते हैं वो वाटर में इनका जो यंग वन होते हैं इमेच्योर होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं यानी वो रहते हैं पानी में। और जो adonates होते हैं वो एगलिंग कहा करते हैं, वो चूंकि इनका यंग वन एक्वेटिक होते हैं तो इसलिए adonates एगलिंग भी करते हैं वाटर में, और वहीं ही इससे जो यंग वन है जो नेड्स है वो निकलते हैं। द नेड्स है वो गिल्स एंड विल मोल्ट अप टू 15 टाइम्स डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशीज। अब चूंकि ये एक्वेटिक है नेड्स, इनका जो इमेच्योर स्टेज है वो एक्वेटिक है, इसलिए इनको सांस लेने के लिए ये गिल्स इस्तेमाल करते हैं। स्पेसिफिक टाइप की स्ट्रक्चर होती है जिस तरह मछलियों में होते हैं, सांस लेने के लिए गिल्स इस्तेमाल होते हैं। और उसमें जो मोल्टिंग होती है जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि शेडिंग ऑफ द एक्सटर्नल एक्सोस्केलेटन ड्यूरिंग ग्रोथ, यानी एक इंस्टार से दूसरे इंस्टार तक जाने के लिए मोल्टिंग करते हैं, तो ये मोल्टिंग तकरीबन 15 टाइम्स जो है वो, लेकिन फिर भी ये स्पीशी पे जो है वो डिपेंड करते हैं। हाउ इट ले एग्स, तो थोड़ी सी देख लेते हैं, छोटी सी वीडियो देख लेते हैं कि किस तरह वाटर में जो है वो एगलिंग करते हैं। आपने देख लिया कि किस तरह ये एगलिंग करते हैं वाटर में, ये वाटर के करीब जाते हैं और बार बार उस पर अटैक किस्म की वो करते हैं, तो इस दौरान ये एगलिंग करते हैं और इसी एग से जो है वो फिर नाइट्स निकलते हैं जो कि एक्वेटिक होते हैं। सम नाइट्स रिमेन इन देयर एक्वेटिक एनवायरनमेंट फॉर एज लॉन्ग एज 2 ईयर्स बिफोर रीचिंग एडल्टहुड, यानी बलूगत के लिए एडल्ट स्टेज निकलने के लिए ऑलमोस्ट बाज स्पीशीज में जो है वो 2 ईयर्स भी लग सकते हैं, यानी डिपेंड करते हैं मुख्तलिफ स्पीशीज में, लेकिन लॉन्ग जो पीरियड है वो 2 ईयर्स है। द फाइनल मोल्ट प्रोड्यूसेस फंक्शनिंग विंग्स एंड द एडल्ट ड्रैगन फ्लाई और डैमसेल फ्लाई कैन हंट ओवर वाटर और लैंड, यानी जो इनका फाइनल स्टेज होता है, फाइनल जो मोल्टिंग होती है, जो एक्वेटिक नाइट्स होते हैं इनकी जो फाइनल मोल्टिंग होती है उसमें जो एडल्ट निकले तो उनकी वो निकलता है, उनके बाकायदा विंग्स होते हैं जो कि फंक्शनिंग होते हैं, फंक्शन कर सकते हैं, और वही फंक्शनिंग विंग्स वाले जो एडल्ट होते हैं वो फिर वो पानी के ऊपर आ जाते हैं और वो फिर एक्वेटिक नहीं होते, पानी के ऊपर जो है वो हंटिंग करते हैं। उनकी ये करेक्टरिस्टिक भी एक पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक है कि ये स्ट्रांग फ्लायर्स है, तो ये बहुत दूर तक जो है पानी से जा सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रांग फ्लायर्स हैं। तो इसके साथ ही हम कंक्लूड कर लेते हैं अपने आज के लेक्चर को। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।